अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी तमामी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक शख्स की मन्नत के बारे में। एक ऐसा शख्स जिसने एक मन्नत मांगी थी, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उसकी कौन सी मन्नत थी। हज़रत अली के पास एक शख्स आकर कहता है, हज़रत दौरे जहालत में मैंने एक मन्नत मांगी थी, कि मेरा बेटा होगा तो मैं कुत्ते के साथ रोटी खाऊंगा। तो वो शख्स ये बोला, हज़रत मैंने एक मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं कुत्ते के साथ रोटी खाऊंगा, मेरा बेटा हुआ है, हज़रत बताएं तो मैं क्या करूं। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स ऐसी मन्नत नहीं मांगा करो। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स ऐसी मन्नत नहीं मांगा करो, अब ऐसा करो इस मन्नत को पूरा करो। अब ऐसा करो, जाओ ढूंढो जिसने 3 दिन तक, हज़रत अली फरमाते हैं, जाओ ढूंढो जिसने 3 दिन तक नमाज ना पढ़ी हो, उसके साथ रोटी खा लो। तो ये है नमाज ना पढ़ने वालों की हैसियत। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे और आमीन। हज़रत अली ने फरमाया, ऐसे शख्स को ढूंढो जिसने 3 दिन तक नमाज ना पढ़ी हो, उसके साथ बैठकर रोटी खा लो, तो ये आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। नमाज ना पढ़ने वालों की हैसियत हज़रत अली ने फरमा दिया है। नमाज ना पढ़ने वालों की हैसियत कुत्ते के बराबर है। हज़रत अली ने फरमाया है, जिसने 3 दिन तक नमाज ना पढ़ी हो, उसके साथ बैठकर रोटी खा लो, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। हज़रत अली का ये बयान, तो वो शख्स उस बंदे को ढूंढता है। उस बंदे को ढूंढने के बाद में रोटी उस शख्स ने खा ली है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाएँ। आपका अपना प्यारा चैनल वजीफा 786। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।